बात करेंगे आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म रामायण को लेकर है तो कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि डायरेक्टर नितेश तिवारी की इस मूवी से आलिया भट्ट बाहर हो गई है जी हां कहा जा रहा है कि कुछ डेट इशू की वजह से आलिया ने ये रोल करने से मना कर दिया है और अब कुछ रिपोर्ट में सामने आ रहा है की साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी के साथ फिल्म के मेकअप इस रोल के बारे में बातें कर रहे हैं तो अब देखना होगा की क्या साई पल्लवी इस रोल के लिए हाँ बोलती है या फिर नहीं दूसरी अपडेट अल्लू अर्जुन को लेकर है साल 2021 में पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड मिला है और इसी के साथ वो पहले तेलुगु एक्टर बन गए हैं जिसे बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला हो अल्लू अर्जुन इस वक्त अपनी फिल्म पुष्पा टू की शूटिंग पर व्यस्त हो रखे हैं और अब कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि शायद पुष्पा टू अब अप्रैल दो के बदले बाईस मार्च दो में रिलीज हो सकती है तीसरी अपडेट ड्रीम गर्ल टू को लेकर है तो आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल टू फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है और ये मूवी उनके करियर की पहले दिन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है जहां लगातार आयुष्मान की तीन चार फिल्में बॉक्स ऑफिस में बुरी कदम फ्लॉप हुई हैं तो उन्हें इस वक्त एक हिट फिल्म की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और इस फिल्म की पहले तीन दिनों की कमाई देखकर लग भी रहेगी आराम से सुपर हिट साबित हो जाएगी लगभग पैंतीस चालीस करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में चालीस करोड़ से ज़्यादा की कमाई भी कर ली है चौथी अपडेट जवान को लेकर है है तो कहा जा रहा है कि सैंसा ने एक बार फिर जवान फिल्म में भी अपनी कैंची चला दी है और लगभग सात कट्स लगाए हैं और फिल्म के ट्रेलर को लेकर अपडेट है कि 30 अगस्त को जवान का ट्रेलर मेकर्स चेन्नई में एक बड़े इवेंट में रिलीज करने वाले हैं वैसे क्या आप जवान को देखने के लिए एक्साइटेड हो कमेंट में बताना क्यूँकी और बात करें पांचवी अपडेट के बारे में तो भाई साहब सनी देवल की कदर टू की कमाई की रफ्तार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इसने केज टू की हिंदी की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है और लगभग साढ़े चार सौ करोड़ कमा लिए हैं और अब पूरी उम्मीदें हैं कि आराम से पाँच सौ करोड़ के कलम में भी पहुँच जाएगी और बाहुबली टू पठान के बाद तीसरी फिल्म भी बन जाएगी जो हिंदी में पाँच सौ करोड़ के कलम में पहुँची हो